देखा जा रहा है कि पिछले एक माह से लंडौर बाजार में 3 वारदात हो चुकी है। इससे पहले एक बार इसी तरीके से कम 5-7 व्यापारियों के छज्जे किसी ट्रक द्वारा तोड़े गए। पुलिस द्वारा अथक पुलिस को अथक प्रयास किया गया, पुलिस को चेताया गया कि किसी तरह ये इसको पकड़िए। पुलिस ने लास्ट में असमर्था जाहिर कर दी, पुलिस कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इसी महीने की दूसरी वारदात घंटाघर में यूनियन बैंक के नीचे एक हमारे सम्मानित व्यापारी भाई की दुकान में चोरी होती है। पुलिस आती है, सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर पुलिस आई और कोई कार्रवाई अभी तक कोई उस पर चोरी को चोर नहीं पकड़े गए। आज ये फिर पुनः देखा गया है कि एक बार फिर इसी तरीके से दोबारा से एक कोई बड़ी गाड़ी या ट्रक जो भी आया होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी आया वो हमारे 5 से 7 दुकानदारों के छज्जे और एक दुकान पूरी डैमेज करके चला गया। लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन बड़े से बड़े अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस एकदम लचर है। पुलिस ने लंडौर बाजार को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पुलिस वाले नाइट में भी यहाँ पे गश्त नहीं करते हैं। देखिए, अगर पुलिस नाइट में गश्त करती होती तो किस तरीके से बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, किस क्यों हो रहा है ऐसा? कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है उत्तराखंड पुलिस में, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि लंडौर बाजार में, और जब अधिकारियों से बात करो तो वो ऐसा जवाब देते हैं जिसको कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं है। कभी कहते कैमरे लगा लो, कभी कहते कुछ कर लो। ये कैमरे हमारे लगे हैं, हमारे दुकानदारों के तो कैमरे लगे हैं, लेकिन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चौकी में चले जाइए आप, अगर बड़ी वारदात हो जाए 2-2 घंटे तक कोई आदमी नहीं मिलता है। अभी हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, 3 घंटे मुझे यहाँ खड़े हो गए हैं। अभी मैं कोतवाल साहब से मैंने बात करी, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी कांस्टेबल या कोई सिपाही या कोई उच्च अधिकारी या इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर कल के दिन कोई किसी को मार के चला गया या कोई बड़ी वारदात हो गई तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए जी, रात को कोई लगभग 3-3:30 बजे के लगभग बता देंगे ट्रक आया बड़ा और आपके सामने ये दुकान की पोजीशन, दुकान बिल्कुल तोड़ के चला गया है। आगे भी बहुत सारी दुकानदारों का नुकसान हुआ है और नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, सीसी कैमरे नंबर नहीं आ पा रहा है, तो सब दुकानदारों का कोई सुरक्षा नहीं रहेगी इस तरीके से।